मैं हूँ आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं कुशाग टुडे लाइव न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नर्मदे हर के उद्घोष के साथ 10 से 12 हजार पंचकोसी यात्रियों का जत्था रवाना। हंडिया में पुण्य सलिला माँ नर्मदा की 7 परिक्रमा से एक परिक्रमा नर्मदा पंचकोसी यात्रा शनिवार को सुबह 5 बजे रास्ते भगवान से दिनात्रिदिनात नर्मदा पर झंडा पूजन कर हंडिया व नेवावर से आरंभ हुई। अल सुबह श्रद्धालुओं द्वारा पुण्य सलिला में स्नान कर भगवान का पूजन कर यह जत्था रवाना हुआ। इस दौरान नेमावर के सभी भक्तों द्वारा चाय व जल पिलाकर पंचकोसी यात्रियों का स्वागत किया, जहां से यह यात्रा संत श्री आत्माराम बाबा के समाधि स्थल पर दर्शन करते हुए 5 लड्डू पहुंची, जहां से यह बिजल गांव पहुंचकर यात्रियों ने अपना पड़ाव डाला। यह यात्रा शनिवार रात बिजल गांव में रात्रि विश्राम के पश्चात रविवार अल सुबह नौका द्वारा नर्मदा पार कर हरदा जिले में प्रवेश करेगी। 85 वर्षीय बुजुर्ग भी हुए पंचकोसी यात्रा में शामिल। हीरापुर निवासी रामेश्वर बिश्नोई उम्र 85 वर्ष नर्मदा पंचकोसी यात्रा में शामिल होने पहुंचे। बुजुर्ग ने बताया कि मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि पंचकोसी करूं नर्मदा मैया के भरोसे निकल पड़ा हूं। आशा है कि मैया मेरी परिक्रमा पूरी करेगी। 10 से 12 हजार श्रद्धालु होने का अनुमान श्रद्धालुओं ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी लगभग नर्मदा पंचकोसी यात्रा में 10 से 12 हजार श्रद्धालु पहुंचे हैं, जो कड़ाके की ठंड के चलते इस वर्ष कम मानी जा रही है। वही हंडिया से रवाना हुई पंचकोसी में इस बार भी लगभग 300 श्रद्धालु शामिल हुए, जिसमें नर्मदा पंचकोसी यात्रा के मुख्य सूत्रधार सुरेश चौबे भी शामिल है। सर है, मैं हीरापुर रहता हूँ और मेरे मन में ऐसी उमंग आई कि मैं नर्मदा जी के परिक्रमा जाऊँ पंचकोसी, और शुरू साल जा रहा हूँ। 85 साल की उम्र है मेरी। फिलहाल इतना ही, आगे की खबर जारी रहेगी।